अच्छा जी, मैं कौन हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज जुम्मा है तो आज कुछ ख़ास खाना नहीं बनाना मुझे, मतलब या तो हम मंगवा लेंगे या जाके खाएंगे, ये डिपेंड करता है, रात को पता लगेगा। लेकिन राइट नाउ हम लोग को शदीद भूख लगी है, मुझे और मीनू को, तो हम बनाने लगे हैं अपने लिए मैक्रोनीस। और आज हम आपको बताएंगे कि जुगाड़ू मैक्रोनीस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऐसा सामान नहीं है मैक्रोनीस का, बट फिर भी हम मैक्रोनीस बनाएंगे, तो चलते हैं रेसिपी की। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया और आधा चम्मच ही अदरक का पेस्ट लिया है। और उसको ज़रा सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने प्याज डाल दिए और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छा जी, प्याज को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक टमाटर काट के डाल दिया है। और अब मैं इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि ये टमाटर सही से गल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने इसके अंदर नमक, किसी भी लाल मिर्च और किसी काली मिर्च थोड़ी थोड़ी डाल दी है, क्योंकि मीनू ने भी खाना है तो इसको मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी और थोड़ा सा चिली सॉस। अच्छा, मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी एक टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास हैं सब्जियां वो ऐड कर देती हूँ। अच्छा, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल दिया है और अब इसको हम थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं ताकि सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं। अच्छा, तकरीबन दो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर मैक्रोनीज़ ऐड करके मिक्स कर, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टिक्का बोटी मसाला ऐड किया। जुगाड़ू मैक्रोनी या कुछ भी डाल सकता है भाई। अच्छा जी, तो ये हमारी जुगाड़ू मैक्रोनीज़ रेडी हो गई हैं, देखने में मज़े की लग रही हैं। पर अब पहले मैं हमज़ा को दूध पिला दूँ, फिर उसके बाद खुद खाऊँगी। हमज़ा को मैंने सुला दिया है और अब मैं खाती हूँ मैक्रोनीज़ और ये खा के फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोगों ने मैक्रोनीज़ खा ली हैं। मीनू कैसी थी? यमी। बहुत मज़े की बनी थी और थोड़ी सी हमने दादी, अच्छा मम्मा बोल, और थोड़ी सी हमने दादी और पप्पू के लिए भी रखी है कि उन्हें भी टेस्ट करवाएं। अच्छा जी, तो हम जा रहे थे खाना खाने के लिए और काफ़ी रात हो गई थी इसलिए इतना ज़्यादा सन्नाटा हुआ है। अच्छा जी, तो हम गए थे पिज़्ज़ा 2000 और पहले भी हम यहाँ के पिज़्ज़ा वगैरह खा चुके हैं तो मज़े के होते हैं। और हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा सुप्रीम ऑर्डर किया था और बीफ बर्गर ऑर्डर किए थे और जिंगर, पर हम पहले भी यहाँ का खाना खा चुके हैं पर आज का खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं लग रहा था इनका। इनके ना जिंगर मतलब सही था, एवरेज था, पर पिज़्ज़ा जितना इनका टेस्टी होता है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। हमने दो बीफ बर्गर और एक जिंगर मंगवाया था और एक इनका लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था। वापस आ चुके हैं और मैं कर रही थी हमारे कपड़े प्रेस, हमारे कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। तो बस मैं बच्चों की फिल्टर बनाऊंगी, चेंज वगैरह करेंगे और बस अब सोने के लिए लेटेंगे। और ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।